बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू यू द वर्दी गेस्ट, चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इवेंट, और शजील गोपलानी साहब और तमाम मेज़बान जितने आज यह प्रोग्राम्स आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया. वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने पुलिस और रेंजर पर्सनल को अप्रिशिएट करने के लिए, और वी नीड योर कोलाबोरेशन और कोऑपरेशन इसी तरह से. लेकिन एक दो बातों से मैं इतफाक नहीं करूंगी. मैं इस वक्त यहाँ DIG साउथ की कैपेसिटी में उनके बिहाफ पे यहाँ पर आज आई हूँ, और वैसे ये मेरा इलाका है, मुझे आने की मतलब इनवाइट ना भी करें तो मैं वैसे भी आ सकती हूँ. द थिंग इज दैट कि इस लोकेलिटी के अंदर, ओल्ड सिटी एरिया के अंदर, यहाँ पर अभी जो कंप्लेन की गई कि ताला तोड़ ग्रुप, तो यहाँ पे पिछले 4 से 6 महीने में ऐसी कोई वारदात रिपोर्ट नहीं की गई, ना ही ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है जिसमें ताले तोड़े गए हों या लॉक्स ब्रोकन आपको मॉर्निंग में मिले हों या काटे गए हों. सेकेंडली, रिसाला के दूध में यहाँ पे इस मार्केट में चप्पल गली जो है यहाँ पे कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया. बोरा कम्युनिटी के बोरा जो एसोसिएशन है वहाँ पर बोरा पीर में, वहाँ पे उन्होंने 22 कैमराज इंस्टॉल कर लिए हैं. बोल्टन मार्केट जिसे हम ओल्ड सिटी एरिया लुंडा बाजार कहते हैं इन अदर वर्ड्स, और वहाँ पर जो है वो तकरीबन 24 से ज्यादा कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, और गार्डन के इलाके में भी किए जा रहे हैं. तो मैं आप लोगों से ये अपील करूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप लोग इस इलाके के अंदर भी तमाम एक चौकीदारी सिस्टम, जैसा कि शर्जील साहब ने अच्छी बात कही कि हमें एक चौकीदारी सिस्टम भी होना चाहिए, नेबरहुड वॉच, तो हमें खुद एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे के सामान को लुटने से बचाना है. 3.25 करोड़ की आबादी में इंडिविजुअली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इतने पर्सनल नहीं है कि हर शख्स को जो है वो एग्जैक्टली वो जो डिमांड करता है अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए. लेकिन हम मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट जरूर कर सकते हैं और क्राइम को होने से रोक सकते हैं. सो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी में, जहां आज दुनिया इतनी टेक्नोलॉजी पे चली गई है, तो वी वांट कि हम भी CCTV कैमरास से अपने शहर को प्रोटेक्ट करें. और ये चूंकि ओल्ड सिटी एरिया ताजिरों का हब है, इकोनॉमिक जोन है, सो वी वांट कि इसको ज्यादा प्रोटेक्शन करने की जरूरत है. तो आप सबका इसमें हमें तावन चाहिए होगा, और इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो उससे पहले उसको प्रिवेंटिव मेजर्स, ये अगर हम 100-150 रुपए भी हर दुकानदार मिलकर एक पूल में जमा करें और एक चौकीदार हायर कर ले जो रात को पेट्रोलिंग करे, और उसका लोकल पुलिस स्टेशन के SHO के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, रात की पेट्रोलिंग मोबाइल उसको बताए. और हम लोग चौकीदार भी रख लेते हैं तो वो उमन सोए में पाए जाते हैं. अभी लास्ट एक वकुआ हुआ टिम्बर मार्केट में, वहाँ चौकीदार वो जो है सोए हुई हालत में था, और गार्डन जुबली मार्केट में वकुआ हुआ, उसमें भी वो दोनों गार्ड सो रहे थे चादर ओढ़कर, और वो आए आकर आराम से प्री प्लान. तो ज्यादातर परसों जो कल जो गार्डन में एक वारदात हुई है, हिरोइनची आए और वो तोड़ के ताले चले गए, सिलेक्टेड मोबाइल लेके गए, वो भी प्री प्लान थी. तो हमें अपने जो वर्कर्स होते हैं उन पे नजर रखने की कड़ी जरूरत है. हमारी दुकान के अंदर जो लोग आकर मुस्तकिल 2-2, 4-4 घंटे बैठकर जाते हैं, वो दुकान की रेकी कर रहे होते हैं, और फिर सारे इन्फॉर्मेशन वो अपने दोस्त अहबाब को दे देते हैं जो कि क्रिमिनलिटी वाला माइंडसेट रखते हैं, और वो आके अगले दिन वारदात करके चले जाते हैं. तो हमें ये मिनहसुल कौम, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि इन अफराद पे कड़ी नजर रखें और पुलिस को बर वक्त रिपोर्ट करें. जहां तक बात है भत्ते की और दीगर केसेस की रिजॉल्व करने की, तो शाजी रेस्टोरेंट पे जो वकुआ हुआ गार्डन में, वो भी विद इन नो टाइम उसको जो है वो ट्रेस आउट किया गया, और सिटी के अंदर जितनी भी डकैतीज हुई या एक्सट्रॉशन के केसेस हुए स्पेशली जो कंसर्न करते हैं, तो उनको हमने अपनी तमाम तरह एफर्ट्स को बरुए कार लाते हुए रेंजर्स पर्सनल के साथ मिलकर और पुलिस ने कोलाबोरेटिव एफर्ट करके इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका ताबुन हमें मजीद दरकार है, और इसी तरह हम काम करते रहेंगे, जुर्म के खिलाफ डट के मुकाबला करेंगे. थैंक यू वेरी मच.